दोस्तों, मानव के इतिहास का वो पल जब 25 दिसंबर 2021 को दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब को वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया था, जिसको आने वाले कुछ सालों में हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में दोनों टेलीस्कोप अभी ऑपरेशनल हैं, पर कुछ समय बाद हबल टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि हबल टेलीस्कोप की जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स के काफ़ी वाइड स्केल की स्टडी करेगा। जेम्स वेब ने तो वैज्ञानिकों को तो कई हाई मेगापिक्सल के इमेज को कैप्चर करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि क्योंकि नासा एक और इससे भी एडवांस टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट पर विचार करना शुरू कर दिया है, जिसको 2030 तक जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया जाना है। इस टेलीस्कोप का नाम लुबियोर टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है और यह टेलीस्कोप जेम्स वेब के मुकाबले हमारे ब्रह्मांड के हाई मेगापिक्सल के इमेज ले सकेगा। और कई वैज्ञानिकों को तो कहना है कि भविष्य में हम सब इस टेलीस्कोप से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट तथा इंटेलिजेंट लाइफ को भी डिस्कवर कर सकते हैं। और यही नहीं, इस टेलीस्कोप के माध्यम से किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर तथा सरफेस की डिटेल स्टडी करके यह भी पता लगा सकते हैं कि उस प्लेनेट पर एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। जुलाई 2023 को डीप स्पेस में मौजूद स्टार्स एंड गैलेक्सीज के क्लस्टर को काफ़ी हाई मेगापिक्सल के ऑब्जेक्ट को देखने को मिला और यह उपलब्धि वैज्ञानिकों के किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि अभी तक किसी भी टेलीस्कोप ने इस क्वालिटी के इमेज को कैप्चर नहीं किया था। और वैज्ञानिक इस हाई क्वालिटी इमेज के माध्यम से यूनिवर्स के क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सके। इतना तो हबल टेलीस्कोप ने तो इतनी डिटेल्स के साथ हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी के इमेज को कैप्चर नहीं कर पाया था। इसी रीजन के वजह से वैज्ञानिकों को तो जेम्स वेब से भी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे पहले भी हबल टेलीस्कोप ने भी लगभग 30 सालों से आज तक काम कर रहा है और इस टेलीस्कोप ने हमारी यूनिवर्स को समझने से लेकर ब्रह्मांड के कई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तथा ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू करवाया, जिसे हम इंसान जानते तक भी नहीं थे। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह जेम्स वेब टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यह टेलीस्कोप यानी हबल टेलीस्कोप जो यूनिवर्स की पिक्चर को कैप्चर करता तो था, लेकिन उस ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, गैलेक्सीज, प्लेनेट की इमेज काफ़ी ज़्यादा ब्लर होते थे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे भी कई गुना ज़्यादा हाई मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में लगभग $10 बिलियन का खर्च आया था। इससे यह साफ क्लियर होता है कि वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप को बनाने में कितना मेहनत किए होंगे। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के बाद 6 महीने तक इस टेलीस्कोप को अपने एग्जैक्ट ऑर्बिट में एडजस्ट करने में तथा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने के बाद इस टेलीस्कोप को ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक उसी प्रकार जेम्स वेब के सक्सेसर लुबियोर टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने से पहले से ही लुबियोर टेलीस्कोप के चर्चे करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को पहले से पता था कि अगर हमें ब्रह्मांड में एलियंस लाइफ के सिग्नेचर को अगर ट्रैक करना है तो इससे भी बड़े एंड एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद साइंटिस्ट ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ज़्यादा पावरफुल एडवांस टेलीस्कोप को डेवलप करना शुरू कर दिए, जिसका नाम लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वियोर यानी लुबियोर टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। लुबियोर वर्ड का मतलब होता है मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। पर अगर हबल टेलीस्कोप की बात की जाए तो यह केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड विजुअल के नियर रीजन के ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जर्व कर सकता था, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के मुकाबले यह काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यह यूनिवर्स में हजारों लाइट ईयर्स दूर मौजूद फेंट लाइट वाले ऑब्जेक्ट को भी क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्व कर सकता है। और यह जेम्स वेब एक लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी है, इससे यह यूनिवर्स के हर छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकता है।
जैसा कि आपको मैंने पहले से बताया है कि लुबियोर टेलीस्कोप एक मल्टी वेवलेंथ वाला लार्ज टेलीस्कोप है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जेम्स वेब के मुकाबले काफ़ी दूर यानी बिग बैंग एक्सप्लोजन के समय का ऑब्जर्व कर सकता है, और साथ ही साथ यह टेलीस्कोप डिफरेंट वेवलेंथ से आने वाली लाइट तथा अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रीजन को भी स्कैन कर सकता है, और इससे हमारे वैज्ञानिक यह पता लगा पाएंगे कि उस स्टार सिस्टम में लाइफ या हैबिटेबल प्लेनेट है या नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप केवल स्टार एंड गैलेक्सीज के क्लस्टर्स तथा कॉन्स्टेलेशन को समझने से लेकर कॉस्मिक रेडिएशन तथा बिग बैंग इवेंट को समझने के पर्पज से डिजाइन किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक्सोप्लैनेट में मौजूद एलियन लाइफ या बायोसिग्नेचर को इतनी डिटेल्स के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकता। वहीं पर लुबियोर टेलीस्कोप को इंटेलिजेंट लाइफ तथा किसी स्टार सिस्टम में मौजूद हैबिटेबल प्लेनेट में लाइफ पॉसिबल है या नहीं, इसी को समझने के लिए इसलिए वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। लुबियोर टेलीस्कोप में भी जेम्स वेब से कई गुना ज्यादा पावरफुल एडवांस सेंसर्स तथा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। इस टेलीस्कोप का डायामीटर जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप का खर्च 10 बिलियन के आसपास था, वहीं पर इस लुबियोर टेलीस्कोप का खर्च अनुमानित 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह टेलीस्कोप कितने एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा। जैसा कि लुबियोर टेलीस्कोप के डिजाइन करने से लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि अगर इस टेलीस्कोप पर 15 मीटर मिरर लगाया गया तो इसे आर्किटेक्चर ई के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें 8 मीटर का मिरर इंस्टॉल करना चाहिए, जिसको आर्किटेक्चर बी के नाम से जाना जाएगा। अगर वहीं पर यह टेलीस्कोप आर्किटेक्चर ई हुआ तो इसे SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा, पर अगर आर्किटेक्चर बी हुआ तो इसे लॉन्च करने के लिए फाल्कन हैवी रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस टेलीस्कोप की प्राइमरी मिरर का डायामीटर देखा जाए तो जेम्स वेब का डायामीटर 6.5 मीटर ही है। वहीं पर हबल टेलीस्कोप प्राइमरी का डायामीटर 2 से 3 मीटर के आसपास है, तो यह लुबियोर टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़े मिरर वाला टेलीस्कोप होगा, जिसकी वजह से फाइनली यह यूनिवर्स के ज़्यादा वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्जर्व कर पाएगा। साइंटिस्ट की माने तो इस टेलीस्कोप का मकसद यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट या रोग प्लेनेट तथा हैबिटेबल प्लेनेट के सरफेस तथा एटमॉस्फेयर की स्टडी करके यह पता लगाना है कि उस प्लेनेट का सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर कैसा है। और वैज्ञानिकों को विश्वास है कि इस टेलीस्कोप के माध्यम से हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर के मून, यूरोपा, अंडर वाटर ओशियन तथा टाइटन जैसे मून की स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि इन मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के सिग्नल मिलते हैं। फिलहाल अभी यह टेलीस्कोप अपने डिजाइन तथा डेवलपमेंट के शुरुआती फेज में है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।